भारत के पश्चिमी क्षेत्र की हथकरघा बुनाई इसके लोगों और इतिहास की कहानी है। ये कहा जाता है कि पैठनी बुनाई की कला 200 ईसा पूर्व में विकसित की गई थी। ये हाथ से बुनी हुई सोने और रेशम की कविताएं पारिवारिक विरासत हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पारित की जाती हैं। कच्छ शॉल का नाम कच्छ के क्षेत्र के नाम पर रखा गया है, जहां वे पारंपरिक रूप से बुने जाते हैं। ये शॉल स्थानीय रूप से खट्टे ऊन से हाथ से बुने जाते हैं और बेहद गर्म होते हैं। चंदेरी साड़ी की परंपरा 13वीं शताब्दी में शुरू हुई। ये पारंपरिक रूपांकनों और बेहतर गुणवत्ता की बुनाई के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। 11वीं शताब्दी में गुजरात की प्रसिद्ध बुनाई पटोला को राजसी सत्ता का संकेत माना जाता था। रंगाई की इनकी जटिल और कठिन तकनीक को देखते हुए कई लोग इन्हें स्वयं देवताओं द्वारा निर्मित मानते हैं।